नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे बाहुबली 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुँचे। तो चले दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रभास की एक मूवी तो हाल में चर्चा में चल रही है जो उनकी आने वाली सलार मूवी है, जो एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है। और इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं प्रशांत नील, और ये मूवी में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, टीनू आनंद, ऐश्वर्या राव, जगपति बाबू, श्रेया रेड्डी, रामचंद्र राजू भी देखने को मिलेंगे। ये मूवी फिलहाल बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है और उनको लेकर बहुत ही सस्पेंस चल रहा है कि आखिरकार मेकर्स कोई अनाउंसमेंट क्यों कर नहीं रहे हैं कि ट्रेलर कब आने वाला है। एक साइलेंट मोड पर उनका प्रमोशन हो रहा है और ये मूवी रिलीज होने वाली है 28 सितंबर 2023 को। और इस सलार मूवी से उनके फैंस के लिए बहुत ही उम्मीद है कि आदि पुरुष ना सफल जाने के बाद ये सलार हिट हो जाए। और इस मूवी को 200 से 250 करोड़ के बजट पर बनाया गया है। ये मूवी के बाद प्रभास की बाहुबली 3 मूवी आने वाली है। और ये बाहुबली 3 मूवी का फर्स्ट सीक्वल 2015 में रिलीज हुआ था, जो बाहुबली फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल रहा था। इस मूवी की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था SS राजमौली ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था और का मीडिया वर्क्स ने। और इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें मैं प्रभास सर, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासर जैसी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिली थी। इसमें जो प्रभास का एक्टिंग था वो दर्शकों को काफी पसंद आया था और इनका लुक भी बहुत ही अच्छा था। इसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली का। इस मूवी को 180 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इस मूवी को पहले तेलुगु और तमिल में बनाया था, इसके बाद मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में डब किया गया था। फर्स्ट सीक्वल सक्सेस जाने के बाद हमें दूसरा सीक्वल देखने को मिला 2070 की साल में बाहुबली 2 द कंक्लूजन मूवी की तौर पर। और इस मूवी को भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही SS राजमौली द्वारा डायरेक्ट किया गया। और इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो फिर से हमें प्रभास सर इसी लुक में देखने को मिले, और इसके साथ अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, नासर, सबूराज जैसे बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिली। और फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट ने भी झंडे गाड़ दिए और बाहुबली 2 4K हाई डेफिनेशन में रिलीज होने वाली पहली तेलुगु फिल्म रही। और फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट को तमिल और तेलुगु में बनाया था और इसके बाद कन्नड़, मलयालम और हिंदी में डब कर रिलीज किया गया था। और सेकंड पार्ट जितना ही प्यार दूसरे पार्ट को भी मिला। और अब दोनों पार्ट सक्सेस जाने के बाद मेकर्स उनका तीसरा सीक्वल लेकर आ रहे हैं और जल्द ही उनकी फाइनली अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी। और इसमें स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिर से हमें प्रभास सर बड़ी स्क्रीन पर बाहुबली वाले लुक में देखने को मिलेंगे और साथ में तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन जैसे बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। और इस बार इस मूवी को 300 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी ये बाहुबली फ्रेंचाइजी का थर्ड सीक्वल देखने के लिए कितना इंतजार करें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।